तो हम देखते हैं जीनो गोकू को जो कि अपनी एक न्यू फॉर्म के सामने अकुमो के आगे खड़ा होता है और अकुमो कहता है, तुम्हारी नई पावर तो लाजवाब है, तुम भी एक सैनी हो, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम हमारे साथ आके मिल जाओ और फिर इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर हम सेंस का ही राज होगा। और जीनो गोकू कहता है कि भूल जाओ अकुमो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, न जाने कितने मासूम लोगों की जान तुमने ली है, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और ये बोलते हम देखते कि जीनो गोकू अटैक कर देता है अकुमो के ऊपर। अकुमो तो शुरुआत के कुछ अटैक से बच जाता है, लेकिन तभी जीनो गोकू एक काफी जोर का मुक्का मारता है अकुमो के, जिससे हम सभी देखते अकुमो काफी दूर जाके गिरता है और खड़ा होके कहता है कि वास्तव में तुम्हारी पावर तो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। और हम देखते तभी जीनो गोकू वापस से आगे बढ़ता है और इन दोनों के बीच में काफी बड़ी फाइट होने लगती है, जिससे वहाँ पर आसपास काफी बड़े धमाके होने लगते हैं। और तभी जीनो गोकू वापस से काफी जोर का अटैक करता है अकुमो के ऊपर, जिससे अकुमो वापस कुछ दूर जाके गिरता है और वहाँ पर धूल धूल हो जाती है। तभी ये देख के गोकू और वेजिटा दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वेजिटा कहता है, क्या ये भी हो सकता है, कोई सभी सेल्स के पिता अकुमो को इस तरीके से भी पीट सकता है, ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई अकुमो की ये हालत कर सकता है। और गोकू कहता है, हे वेजिटा क्या तुम देख रहे हो, आखिरकार ये कितना ज्यादा औसम है, ये लिटरली अकुमो को इस तरीके से कैसे पीट सकता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं रायगोर को, जो की कहता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या ये आज हमारा अंत होगा, लॉर्ड अकुमो को ये आखिरकार ऐसे पीछे कैसे धकेल सकता है। और तभी हम सभी देखते हैं अकुमो वापस से खड़ा होता है और कहता है, क्या तुम्हारे अंदर सिर्फ इतनी ही पावर थी, आजकल के सीन लगता है कि पुराने जमाने के सीन से काफी ज्यादा पिछड़ चुके हैं, लेकिन अगर तुम में सिर्फ इतनी ही पावर है गोकू, तो अफसोस तुम आज यहाँ पर मरने वाले हो। और हम देखते ये बोलते अकुमो एक अपना अटैक करके फेंकता है जीनो गोकू की तरफ, जिससे जीनो गोकू काफी मुश्किल से बच पाता है और कहता है, अच्छा अकुमो तो लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी काफी ज्यादा पावर बची हुई है, लेकिन चिंता मत करो आज मैं तुम्हारा यहीं पर खात्मा कर दूंगा। और इसी बीच उन दोनों के बीच में काफी बड़ी फाइट होने लगती है, लेकिन हम सभी देखते हैं कि अकुमो जीनो गोकू के वार से काफी मुश्किल से ही बच पाता है। दूसरी तरफ जीनो गोकू अपनी पूरी पावर के साथ अकुमो के ऊपर टूट पड़ता है, और जिससे अकुमो की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है, और धीरे धीरे करके अकुमो थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगता है। और हम देखते हैं इसी फाइट के बीच वहाँ पर काफी बड़े धमाके होने लगते हैं, जो देखने के बाद सारे के सारे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और जीनो वेजिटा कहता है, क्या करो तुम्हें ये सब जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे करके अपनी पावर और भी बढ़ा सकता है। और तभी हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है, क्या गोकू तुम्हें उसे जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि वो अभी तक अपनी असली पावर को हमारे सामने नहीं दिखा रहा है। और ये सब देखने के बाद वेजिटा मन ही मन में कहता है, आखिर एक सीन इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता था, मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था, आखिरकार ये अकुमो को ऐसे पीछे कैसे धकेल सकता है, इसके पास इतनी पावर कैसे आ सकती है। और हम देखते तभी अकुमो वापस से खड़ा होता है और कहता है, क्या तुम इस खेल को यूं ही आगे बढ़ाना चाहोगे गोकू, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये खेल अभी के अभी खत्म हो, और तुम्हें मैं वापस से एक लास्ट मौका दे रहा हूँ गोकू, हम सेंस जो कि इस मल्टीवर्स में आने वाले टाइम पे राज करने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मेरे हो सकता है कि 12 लेजेंडरी सेंस में से भी तुम्हारे पास ज्यादा पावर है, तो क्या कहते हो गोकू, ये मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ। और गोकू ये सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अकुमो अब तुम्हारा आखिरी टाइम आ चुका है, तो तुम अब अपनी ये बकवास बंद करो। और दूसरी तरफ रायगोर भी काफी ज्यादा चिंता में लग रहा होता है, क्योंकि रायगोर सोच रहा होता है कि वो अकुमो और आज इसका अंत कर देगा। और तभी हम देखते हैं अकुमो को, जो कि अब अपने काफी सारे अटैक कर लेते हैं जीनो गोकू के ऊपर, जिससे जीनो गोकू काफी आराम से बच रहा होता है। और ये देखने के बाद सभी के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि आखिरकार जीनो गोकू इतनी आसानी से अकुमो के सारे हमलों से कैसे बच पा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जीनो गोकू अपने काफी सारे वार भी लगातार करता रहता है अकुमो की तरफ, जिससे अकुमो को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। तभी हम सभी देखते हैं कि जीनो गोकू अपना काफी बड़ा कामेहामेहा अटैक करता है और वो फेंक देता है अकुमो की तरफ, जिससे हम सभी देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और ये देखने के बाद रायगोर काफी डर जाता है और कहता है, क्या ये नहीं हो सकता, क्या आखिरकार ऐसा हो भी सकता है। और गोकू और वेजिटा भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वेजिटा कहता है, क्या सही में ऐसा हो सकता है, क्या ये अकुमो का अंत है। और गोकू कहता है, क्या ये सच में हो रहा है, क्या अकुमो अब नहीं रहा। और हम देखते हैं कि जैसे वहां से धूल हटती है, अकुमो का वहाँ पर नामो निशान भी नहीं होता और अकुमो की एनर्जी भी अब खत्म हो चुकी होती है। और रायगोर ये देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है, क्या माय लॉर्ड अकुमो, आखिरकार अकुमो की एनर्जी मुझे सेंस नहीं आ रही,
कैसा हो सकता है? ये सीन अकुमो को खत्म कर सकता है। और तभी हम देखते हैं जीनो गोकू को जो कि अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। और तभी जीनो वेजिटा कहता है, हे कैकरोट, अब हमारा काम यहाँ पर हो चुका है, तो हमें अपने मल्टीवर्स के अंदर अब जरूर जाना चाहिए। और तभी हम सभी देखते हैं जीनो गोकू को जो कहता है, क्या वेजिटा, अब हमारा काम यहाँ से हो चुका है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन सच बताऊँ तो आखिरकार आज तक मैंने अपनी इतनी पावर का इस्तेमाल किसी के भी सामने नहीं किया था। अकुमो ने मुझे अपनी असली पावर दिखाने के लिए मजबूर कर दिया था। और तभी जीनो गोकू गोकू और वेजिटा के पास जाता है और कहता है, जब तुम दोनों का काम हो चुका है तो तुम अब इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे दिखने वाले से सारी की सारी ड्रैगन बॉल ले लो और सभी को जिंदा कर दो। और गोकू रायगुर को देख के कहता है कि हाँ, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको तो मैं खुद ही संभाल लूंगा। और तभी हम सभी को एक आवाज आती है, क्या तुम्हें लगा था कि ये सब इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? और ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और हम सभी देखते हैं अकुमो को जो कि अपनी एक न्यू फॉर्म के अंदर आ चुका होता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम जैसे सेंस मुझे खत्म कर सकते हो? तुम्हारी और मेरी कभी भी बराबरी नहीं हो सकती। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद जीनो गोकू काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, लेकिन मुझे तो तुम्हारी एनर्जी अभी भी महसूस नहीं हो रही है। इस पे अकुमो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी एनर्जी को सेंस कर पाओ इतने ज्यादा? तुम अभी एक शक्तिशाली नहीं बने हो। और तभी हम देखते ये सुनने के बाद जीनो गोकू अटैक करने के लिए जाता है अकुमो के ऊपर, लेकिन अकुमो उससे बड़े आसानी से बच जाता है और उसे काफी दूर जाके फेंकता है, जिससे हम देखते कि जीनो गोकू काफी ज्यादा तकलीफ में लग रहा है। और अकुमो कहता है कि तुम्हारी पावर सच में लाजवाब थी, तो अब मुझे तुम्हारी भी पावर चाहिए। और हम देखते कि ये बोलते अकुमो अपने अटैक से उसकी सारी की सारी पावर निकाल लगता है, जो देखने के बाद सारे के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और जीनो गोकू काफी ज्यादा कोशिश करके ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा होता है। और हम देखते तभी जीनो वेजिटा भी अटैक करने के लिए चले जाता है अकुमो के ऊपर, लेकिन अकुमो उसे भी बड़े आसानी से हरा देता है। और हम देखते हैं यहाँ पर अकुमो सारी की सारी एनर्जी ले रहा होता है जीनो गोकू से, और जो देखने के बाद गोकू और वेजिटा भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और वेजिटा कहता है, मुझे लगा ही था कि आखिरकार अकुमो इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता और हम इसे शायद कभी भी नहीं हरा पाएंगे। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं रायगुर को जो कि काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, माय लॉर्ड अकुमो, मुझे पता था कि आप इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकते। और तभी अकुमो सारी की सारी पावर लेने लगता है जीनो गोकू से, और गोकू काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है ट्रांसफॉर्म होने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता है और वो काफी ज्यादा दर्द में भी होता है। और यहाँ पर अकुमो कहता है, अब मैं धीरे धीरे करके तुम्हारी और इस किंग ऑफ एवरीथिंग और तुम सभी सीएस की सारी पावर ले लूंगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता है कि तुम जैसे सीएस के पास इतनी ज्यादा पावर हो सकती है। तुम तो मेरे लेजेंडरी सीएस से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल लग रहे हो, तो मैं अब तुम्हारी सारी की सारी शक्ति आज यहीं पर लेके तुम सभी को खत्म कर दूंगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप सभी को ये मांगा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट में आप सभी के लेकर आ जाऊंगा। बाय द वे, इसके ओरिजिनल क्रिएटर का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस मांगा के ओरिजिनल क्रिएटर को अपना सपोर्ट दिखाना बिल्कुल भी मत भूलना। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप सभी को ये मांगा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। और आप चाहते हो कि इसके नेक्स्ट पार्ट में आप सभी के बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, ताकि मैं इसका जैसे ही नेक्स्ट पार्ट आप सभी के लिए अपलोड करूं, आप सभी इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्द से जल्द वॉच कर पाओगे।